हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आप सभी का आरएनएम एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम देखा है और वो मेजर थ्योरी पर आधारित है। स्ट्रेट लाइन की जो मास्टर थ्योरी है, जहां लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है, एचपी और वीपी को, तो उस केस में हमें डेटा को सही ढंग से हैंडल करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। उसी सीरीज में आज हम एक और प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं और उसमें भी लाइन दोनों प्लेन को इंक्लाइन है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एक एक स्टेप को आप सही ढंग से समझे, क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान और ड्राइंग के दौरान ही मैं कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, तो उसको समझना जरूरी है। तो पहले वीडियो को सही ढंग से आप समझ लीजिए, बाद में खुद आप एक ड्राइंग बना दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन का एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्व किया था और उस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रॉब्लम के माध्यम से हमने एक इम्पोर्टेंट बात समझी थी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन के सॉल्यूशन में 9 आइटम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। 9 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी 9 आइटम? 4 स्ट्रेट लाइन, 4 एंगल एंड 1 ईपीडी। 4 लाइंस, 4 एंगल्स एंड 1 आइटम इज ईपीडी। अभी ये 9 आइटम में से कौन सी आइटम हमें प्रॉब्लम में दी है, उसका यूटिलाइजेशन करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। आइए आज एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं उसी ढंग से। पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं, इम्पोर्टेंट डेटा सॉर्ट आउट करते हैं, डेटा को इंटरप्रिट करते हैं और फिर सॉल्यूशन स्टेप वाइज समझते हैं। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो लाइन MN दी है, 70 mm लॉन्ग, इट इज इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री एंड इंक्लाइन टू VP बाय 30 डिग्री। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स M इज इन द HP एज वेल एज इट इज इन द VP। डिटरमाइन इट्स अपेरेंट इंक्लिनेशंस। तो सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूं, डेटा गिवन। तो उसमें सबसे पहले मुझे लाइन दी है, तो द नेम ऑफ लाइन इज MN। जैसे हम लाइन MN लिखते हैं, मीन्स उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक है M और दूसरा एंड पॉइंट है N। 70 mm लॉन्ग मीन्स लाइन की जो लेंथ है TL, ट्रू लेंथ इज 70 mm। इट इज इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री। इंक्लाइन टू HP मीन्स एंगल थीटा हमें दिया है 45 डिग्री। एंड इंक्लाइन टू VP बाय 30 डिग्री मीन्स VP के साथ एंगल, जिसको हम फाई बोलते हैं, वो 30 डिग्री दिया है। इन एडिशन एक पॉइंट की पोजीशन हमें दी है। कौन से पॉइंट की पोजीशन दी है? M की। M इज इन HP एज वेल एज इन VP। M की पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। M एक ऐसा पॉइंट है वो HP पर भी है और VP पर भी है। तो M की पोजीशन इट इज इन HP एंड इट इज ऑल्सो इन VP। इतनी सारी चीज हमें दी है। अभी इसके आधार पर, ये जो डेटा दिया है इसके आधार पर हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं और लाइन के प्रॉब्लम की शुरुआत में सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम बार बार कहते हैं इट इज रेफरेंस लाइन XY। तो सबसे पहले हमारी XY रेफरेंस लाइन बनेगी। तो ये लाइन हो गई XY, रेफरेंस लाइन XY। उस पर जो एक पॉइंट की पोजीशन हमें दी गई है, उस पोजीशन के आधार पर उस पॉइंट के दोनों प्रोजेक्शंस हम दिखाने वाले हैं। पॉइंट M दिया है, इट इज इन HP। अगर हम कंक्लूजन याद करें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के,
तो इफ एनी पॉइंट इज इन एचपी इट्स फ्रंट व्यू इज ऑन एक्स वाई एंड इट इज इन वीपी मीन्स इफ एनी पॉइंट इज इन वीपी इट्स टॉप व्यू इज ऑल्सो ऑन एक्स वाई. कहने का मतलब एम के दोनों प्रोजेक्शंस एम डैश एंड एम वो दोनों एक्स वाई लाइन पर ही आएंगे, तो सिंगल पॉइंट हमें मिलेगा और उसी पॉइंट पर हम दोनों नोटेशंस दिखा देंगे एम डैश एज वेल एज एम, क्योंकि एक्स वाई के साथ कोई डिस्टेंस नहीं है और दोनों एक ही प्रोजेक्टर पर होने चाहिए, तो सिंगल पॉइंट मुझे मिलेगा और वो पॉइंट हमारा एम डैश भी होगा और एम भी होगा. अभी बात को आगे बढ़ाते हैं. ट्रू लेंथ मुझे दी है 70 mm एंड एंगल थीटा दिया है 45 डिग्री. तो ट्रू लेंथ और थीटा पर से मैं 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने वाला हूं. कौन से पॉइंट से? एम डैश से. और उसकी लेंथ होनी चाहिए 70 mm. तो मैंने एम डैश पर ये सेंटर रखा और एंगल लिया मैंने 45 डिग्री 10, 20, 30, 40 एंड 45. तो ये 45 डिग्री पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया, उस पर ट्रू लेंथ वाली लाइन बनेगी एम डैश से. तो एम डैश से मैं 70 mm डिस्टेंस ले रहा हूं यहां तक. तो एक लाइन हमें मिली विच इंडिकेट्स ट्रू लेंथ. ट्रू लेंथ है 70 और उसका एंगल जो एक्स वाई के साथ है वो एंगल है 45 डिग्री थीटा. ये पॉइंट जो मुझे मिला, इस पॉइंट को हम पहली बार इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हमारा N1 होगा. N1 जैसे हमें N1 पॉइंट मिल जाता है तो N1 में से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स वाई प्रोड्यूस कर देंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए लोकस ऑफ N होगी. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लोकस ऑफ N है. मीन्स हमारा जो फाइनल एलिवेशन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं ये साइड लेफ्ट हैंड साइड पर मिलने वाला है और उसकी लेंथ शॉर्टर लेंथ होगी. अभी दूसरी लाइन प्रोड्यूस करते हैं. ट्रू लेंथ 70 mm एंड एंगल फाइ दिया है हमें 30 डिग्री. तो अगेन प्लान पॉइंट एम बी एक्स वाई पर ही है, तो वहीं से फिर सेंटर लेके मैं एंगल काउंट करता हूं 30 डिग्री 10, 20 एंड 30. तो यहां ये 30 डिग्री पर एक पॉइंट मैंने ले लिया और लेंथ मुझे लेनी है 70 mm. सो एम से 30 डिग्री एंगल मेंटेन करके हम एक और लाइन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी लेंथ भी 70 mm है और ये लाइन भी हमें ट्रू लेंथ ही दिखाएगी. ट्रू लेंथ 70 mm लेकिन इसका एंगल हमारा 30 डिग्री है. और यहां जो पॉइंट हम नोटेशन के द्वारा दिखाते हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे N2. सफिक्स 2 मुझे देना है. प्लान पॉइंट है तो डैश तो आएगा नहीं, तो N2. और एक बार मैंने N2 रिप्रेजेंट कर दिया तो N2 पर से भी एक्स वाई को पैरेलल एक लाइन बनेगी और उस लाइन को हम कहेंगे लोकस ऑफ प्लान पॉइंट N. तो ये लाइन हम लिख देते हैं लोकस ऑफ प्लान पॉइंट N. तो ये N का लोकस है. हमारा फाइनल प्लान पॉइंट N लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं ना कहीं ये साइड हमें मिलने वाला है. तो अभी तक हमारे पास दो लाइन है. एक्चुअल सॉल्यूशन में फाइनल जब सॉल्यूशन खत्म होता है तो चार लाइन हमें मिलनी चाहिए. और चार लाइन कौन सी? जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन, ट्रू लेंथ इन प्लान, एलिवेशन खुद एंड प्लान खुद. तो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन मिल गई,
ट्रू लेंथ इन प्लान मिल गया, एलिवेशन एंड प्लान वो दोनों चीजें बाकी है। तो मैं कोई एक पॉइंट से शुरुआत करता हूं, मैं एन वन डैश से अगर शुरुआत करता हूं तो एन वन डैश से पहले मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कहां तक कि जहां एन वन डैश बदल के एन वन हो जाएगा और एन वन के सामने एम होना चाहिए। तो एन वन डैश से देखिए एन वन डैश पॉइंट, और वहीं पर से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक। तो ये हमारा डायरेक्शन हुआ एन वन डैश, यहां वो नोटेशन चेंज होके हो जाएगा एन वन, और एम और एन वन के बीच का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं प्लान लेंथ, क्योंकि दोनों पॉइंट्स प्लान के हैं पीएल। जैसे हमें प्लान लेंथ मिल गई तो प्लान लेंथ जितनी रेडियस आप सेट कर दो कंपास से, सेंटर रखो एम पर और यहां तक आर्क ड्रॉ कर दो। एक आर्क बना दिया, जो आर्क आपके पहले वाली जो स्ट्रेट लाइन लोकस था उसको इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट टॉप व्यू है, प्लान पॉइंट एन। और एन मिल जाता है तो एम और एन को ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा पहला प्रोजेक्शन हुआ लाइन का। एम एन मीन्स इट इज टॉप व्यू। सिमिलर प्रोसीजर हम दूसरे पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं। मैं N2 से अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, N2 से वर्टिकल लाइन बनेगी कहां तक, M डैश तक। तो N2 से वर्टिकल लाइन, क्योंकि M डैश भी XY पर ही है, तो यहां तक डायरेक्शन हुई पॉइंट की। N2 बदल के ये हो जाएगा N2 डैश। एम डैश और एन टू डैश के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एलिवेशन लेंथ, क्योंकि दोनों प्लान लेंथ एंड एलिवेशन लेंथ दोनों अभी एक्स वाई पर आएगी, लेकिन एलिवेशन लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू प्लान लेंथ। तो एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस सेट कर दो, एम डैश पर सेंटर रहेगा हमारा, एम डैश से एन टू डैश एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस, और फिर आर्क बना दो, जो आर्क ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन लोकस को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट हमारा एन डैश होगा, फाइनल एलिवेशन पॉइंट। और एन डैश और एम डैश दोनों पॉइंट को हम डार्क लाइन से जोड़ देते हैं, तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हुआ जिसको हम कहेंगे फ्रंट व्यू। तो दोनों प्रोजेक्शंस मिल गए, फ्रंट व्यू भी मिल गया, टॉप व्यू भी मिल गया। क्रॉस चेकिंग करना है तो हमारा एन डैश एंड एन एक ही वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं, तो सॉल्यूशन तो ओवर है। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द एपरेंट इंक्लिनेशंस। देखो अभी इनिशियली डेटा में थीटा और फाई दिया था, थीटा फाई को हम ट्रू इंक्लिनेशन मानते हैं, तो एपरेंट इंक्लिनेशन मींस फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल जिसको हम अल्फा कहते हैं, तो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल, फ्रंट व्यू ये रहा, यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा वो हमारा अल्फा होगा, और वैसे ही टॉप व्यू का एक्स वाई के साथ एंगल जिसको हम कहेंगे बीटा। ये दोनों एंगल मेजर करके हमें आंसर में लिखने हैं, तो हम फिर वो मेजर कर सकते हैं एंगल। उस एंगल को हम एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। एम पर मैंने पॉइंट रखा, हॉरिजॉन्टल लाइन सेट कर दी, और ये जो एंगल मिलेगा जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये आता है 58 डिग्री, 60 में थोड़ा सा कम है, तो 58 डिग्री जो एंगल मिला वो हमारा आंसर है अल्फा।
तो मेरा आंसर अगर मैं लिखूं, अल्फा एपरेंट इंक्लिनेशन इज 58 डिग्री, एंड सिमिलरली बीटा हमें मेजर करना है, तो एम पर पॉइंट रख के ये लाइन को सेट कर दो, फिर एंगल मेजरमेंट हम कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, और ये 44 तक आता है, एंगल इज 44। तो बीटा का एंगल एपरेंट इंक्लिनेशन बीटा इज 44 डिग्री एंगल। दिस इज अवर आंसर। तो ये हमें आंसर हाईलाइट करके दिखाना है एग्जामिनेशन में। तो सॉल्यूशन सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है जो लास्ट वीडियो में हमने यूज किया था, कि दोनों एंगल दिए हैं थीटा एंड फाइ, ट्रू लेंथ दी है, एक फर्क है जहां एम की पोजीशन एचपी और वीपी दोनों में है, तो एम डैश एंड एम वो दोनों पॉइंट्स हमारे एक्स वाई पर मिलते हैं। तो हर बार जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको वर्टिकल लाइन को हमें एक्स वाई तक ही खींचना है और बाद में आर्क लगाना है। तो इस ढंग से हम कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक और वैरायटी हम ऐड करेंगे और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ। ये प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप समझ के आप खुद स्केचबुक की शीट में या ड्राइंग पेपर पर डायमेंशनली सॉल्व कर दीजिए। और आप अगर नए हैं तो पुराने वीडियो भी देखें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें आप अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच।